हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मिलाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मुझसे सीखेंगे रिएक्शन कैसी की जाती है। जो टॉपिक है एथेन से एथिल क्लोराइड। देखिए, एथेन से एथिल क्लोराइड रिएक्शन करते समय क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि रिएक्शन कैसे की जाती है। देखिए, रिएक्शन करते समय सबसे पहला जो स्टेप होता है, आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। फिर क्या है, फॉर्मूले, आप फॉर्मूले जरूर लर्न करें, प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले प्रैक्टिस, फॉर्मूले प्रैक्टिस, ये फंडा आप दिमाग में बैठा ले रखें। इसे में जब मैं क्लास लेता हूँ बच्चों, क्या होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे फॉर्मूले बच्चों को लर्न हो जाए, बट वही मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे चैनल में जुड़ें तो आपको ढेर सारे फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे। एंड साथ में क्या होगा, जो सीरीज चल रही है रिएक्शन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन चल रही है, वो मेरे साथ में सीखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिएगा जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है, जिससे क्या है, टाइम पर टाइम जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे आपको मिलते रहेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, एथेन से एथिल क्लोराइड। देखिए, है बहुत सिंपल, मैं बताऊँगा भी बहुत सिंपल तरीके से, बट क्या है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड आपको एक दो और भी मैं लास्ट में रिएक्शन जरूर बताऊंगा, एक दो और भी रिएक्शन करूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप पूरा वीडियो देखें। देखिए, सबसे पहले फार्मूला, एथिन C2H6 से बनाना क्या है, एथिल क्लोराइड। तो एथिल का मीन्स क्या होता है, C2H5। देखिए यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, और क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं वो समझ नहीं आता। एथिल का मीन्स क्या होता है, C2H5 ही होता है, इसमें कन्फ्यूजन होने कोई बात ही नहीं है। क्लोराइड का Cl हो गया, ऐसे में कन्वर्ट करना। अब देखिए, यहाँ पर हमें Cl है, यहाँ पर एक H कम करना, और H कम करने के बाद Cl लेके आना। C2H6 है, यहाँ पर Cl है, तो Cl से तो रिएक्शन कराने देंगे, किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे। ये जो रिएक्शन है, अब देखो, क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और संतुलन, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर था, याद, उसमें प्रस्तापन अभिक्रिया था, योगात्मक अभिक्रिया था, बहुत से रिएक्शनों के नाम थे, तो उनमें से एक था प्रस्तापन अभिक्रिया। अब ये क्या, एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप क्या करता है, हैलोजन ग्रुप के साथ में ऐड होता नहीं है, क्या करता है, इसमें प्रस्तापन अभिक्रिया करता है, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। जैसे मान लीजिए क्या है, एथेन है, और Cl2 सिलेक्शन करके क्या करेगा, उसमें से एक एच निकल जाएगा, और फिर जो Cl है उसके साथ ऐड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आएगा C2H5, Cl हुआ कि नहीं हुआ। अब बचा क्या, यहाँ पे दो Cl है, एक Cl क्या हो गया, बिजी हो गया C2H5 के साथ, देखिए बिजी हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें से एक एच कम हुआ, तो ये क्या बनाएंगे, ये और ये मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। देखिए, रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो देखिए, C2H5 Cl प्लस के HCl आ गया। रिएक्शन करने के बाद क्या करेंगे, आप समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले समझिए, ये क्या है, लेकिन ग्रुप, ये क्या है, हैलोजन ग्रुप है। यहाँ पर अगर Br2 होता, I2 होता, तब भी यही सेम फंडा यूज होता, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, Br आता है, यहाँ पर I होता है, यहाँ पर क्या होता है, HBr निकलता और यहाँ पर HI निकलेगा। तो ये समझिए पहले बात, ये सेम सेम रहेगा, पर यहाँ समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जो कि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया। इतना करने के बाद इनके नीचे नाम भी लिखिए, C2H6 का नाम क्या होता है, एथेन होता है, Cl2 का क्लोरीन हो गया, एथिल क्लोराइड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब क्या है, एक इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज डेट आपसे कहा गया एथेन से एसिटाल्डिहाइड दिया गया, तब देखिए, ठीक है, फिर से वही बात, यहाँ पर C2H6 कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, CH3CHO। अब यहाँ पर क्या एक स्टेप में होगा, नहीं होगा स्टेप, देखिए समझिए, अब हमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, बट ये तो नहीं होगा कि एक स्टेप से कर दिया, हो गया। मेरे कहने का मीन्स क्या है कि जब भी आप रिएक्शन करेंगे, देखिए आप छोटे क्लास में तो नहीं है, आप हाई स्कूल में होंगे, चलिए एक दो स्टेप में रिएक्शन आपको आएंगे बोर्ड में तो कर लेंगे, जब आप फर्स्ट एंटर में तो क्या होता है, 3-4 स्टेप वाली रिएक्शन आती हैं और टफ भी आती हैं, पर शुरुआत ही से होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, C2H6 किया, Cl2 सिलेक्शन किया, तो क्या आएगा, C2H5 Cl+ का HCl आ गया।
यहाँ समझने के लिए अगर हम यहाँ पर लिख दें क्या CS3 CS2 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब देखिए ये कुछ कुछ मैच होने का हुआ कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है CL को, तो क्या करना पड़ेगा CS3 CS2 CL प्लस के OS करा देंगे तो क्या आएगा, ये और ये अलग, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या होगा CS3 CS2 OH आ गया, प्लस का KCL आ गया। अब देखिए अब हमें चाहिए O चाहिए, तो O आया कि नहीं आया, H भी आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और भी हटानी है, क्या करें। अब देखिए एक रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि हिंदी में बोलते ऑक्सीकरण कराएंगे, CS3 CH2 OH फिर कराएंगे ऑक्सीडेशन। देखिए प्रेजेंस जो है मैं लिख दे रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो कहीं बनाऊँगा मैं, इसकी प्रेजेंस रहती है। अब जो रिएक्शन होगी तो क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, फिर क्या होगा CHO आ गया। अब अच्छा पूछा क्या H2 और ये O बन गया, तो क्या आ गया हमारा H2O आ गया। तो ये देखिए बन गया, क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो मेरा जो लॉजिक था, मेरी कोशिश थी कि आपको आसान बताऊं, आसान तो ये था केवल एक स्टेप में जो आपने थंबनेल देखा, साथ में इसके रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया कि आप समझो कि क्या वैल्यू होती है एक वन स्टेप वाले रिएक्शन, क्या वैल्यू होती है। धीरे धीरे क्या होगा, वन स्टेप करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन आपको करनी पड़ती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।